हे गाइस, ट्रैवल एडवेंचर चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो में डालूँ सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो का मजा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉय कलेक्शन और ये है आप सभी का फेवरेट बेन 10 टॉय कलेक्शन। तो जल्दी से करते हैं इसकी वन बाय वन अनबॉक्सिंग भी करेंगे, टेस्टिंग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेन 10 के टेलीफोन से, जो कि है ये वाला। तो गाइस ये है बेन 10 का टेलीफोन, कीमत है गाइस वो है 50 रुपीज और ये मैंने परचेज किया है ऑफलाइन मार्केट से। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। तो इसको सबसे पहले ओपन करते हैं हम यहाँ से और पन्नी से निकालते हैं अपने टेलीफोन को और ये है हमारा बेन 10 का टेलीफोन और इस पर बेन 10 की कॉल आने वाली है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड है गाइस, तो इसमें डालेंगे हम बैटरी यहाँ पे। तो डाल देते हैं हम दो बैटरी और फिर देखते हैं कि क्या करता है ये टॉय। वाओ, बैटरी लगाते ही कॉल। अब करते हैं हम बेन 10 को कॉल। तो ये हमारे बेन 10 है और ये वायर ज़्यादा बड़ी नहीं है इसलिए इसको यहीं पर यहीं रहने देते हैं और चलिए करते हैं कॉल। तो ये सारे डमी बटन्स हैं, इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वाओ, अब बारी हमारे दूसरे टॉय की, जो कि है बेन 10 का वॉकी टॉकी, जो कि है ये वाला। तो गाइज ये है बेन 10 का वॉकी टॉकी। कीमत की बात करें गाइज तो 250 रुपीज का मैंने परचेज किया इसे ऑफलाइन मार्केट से। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए है। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फिर करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो इसको करते हैं ओपन यहाँ से। तो ये आया हमारा पहला वॉकी टॉकी और उसके बाद है ये दूसरा वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी काफ़ी अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं इससे और उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वॉकी टॉकी से खेलने में। तो गाइस ये है बैड वॉकी टॉकी की सेल। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको मिलती है पैकेट के अंदर। दो वॉकी टॉकी मिलेगी और आपको मिलेंगी 8 सेल्स, क्योंकि 4 सेल इसमें डालेंगे, 4 सेल इसमें डालेंगी। तो चलिए इसमें डालते हैं हम सेल। तो इसे करते हैं ओपन। तो गाइस डाल दिए हमने बैटरी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि आपने कभी वॉकी टॉकी से खेला है या फिर नहीं खेला है और इसका यूज़ क्या है। तो गाइस इसका जो यूज़ होता है वो कुछ नहीं है, आप एक फ्रेंड को आप दे दीजिए एक वॉकी टॉकी और दूसरे को दे दीजिए दूसरा और आप दोनों थोड़ा डिस्टेंस में जाके आप बात कर सकते हैं। तो इसे करेंगे ऑन यहाँ से, तो इस टाइप से आवाज़ आएगी। इसे भी ऑन करते हैं। तो गाइज अब आ रही है हमारे बेन 10 के लट्टू की, जो कि है ये वाला। तो गाइज ये है बेन 10 का ओमनीट्रिक्स लट्टू। बात करें तो गाइज की जो कीमत है वो है 100 रुपीज। ये मैंने परचेज किया है ऑफलाइन से, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे करेंगे ओपन यहाँ से और फिर अपने बेन 10 के लट्टू को हम निकालेंगे इसमें से। तो पहला निकलता है हमारा ये येल्लो लट्टू, इसे रखते हैं यहाँ पे। फिर निकालते हैं अपना ब्लू, ये भी निकल गया। और अब है लगाएंगे हम ऐसे और फिर इसको घुमाएंगे हम इस तरह से और फिर अब हमारा काम है इसको नाइस। अब घुमाते हैं येलो वाले को अपने बड़े वाले को, नाइस। तो अपने तीनों लट्टू घूम रहे हैं, वाओ ये तो भागे जा रहा है। वाओ, देखते हैं कौन सा वाला जीतता है और हमारा जो विनर होगा वो होगा, मुझे लगता है आई थिंक येलो वाला जीतेगा।
अब बारी हमारे बेंटन के रोबोट वॉच की जो कि है गाइस ये वाला। तो ये है हमारे बेंटन का रोबोट वॉच, कीमत है वो है 300 रुपीज। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर करेंगे इसकी टेस्टिंग। मैंने पहन ली है बेंटन ओमनीट्रिक्स वॉच। तो गाइज ये है बेंटन की ओमनीट्रिक्स और देखिए हाथ पे कितनी प्यारी लगती है, बहुत कूल लगती है, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। दिखाता हूँ कि कैसा इसका लुक लगता है। अब दिखाता हूँ मैं आपको वॉच का लाइट जला के, तो ये इस टाइप की दिखती है, वाओ। तो गाइज अब बारी हमारे बेंटन की योयो की जो कि है ये वाला। तो गाइज ये है बेंटन का योयो, ये मैंने खरीदा है ऑफलाइन मार्केट से, डिस्क्रिप्शन में मैं बाय लिंक दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो योयो काफ़ी बच्चों को पसंद आता है, बहुत अच्छा टॉय है और खासकर लड़कों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है योयो, और बहुत ज़्यादा अच्छा टॉय है, बहुत बड़ा है, बहुत मज़ा आता है इस टॉय के साथ। तो दिखने में बहुत कूल है, बहुत प्यारा है। तो ये है हमारा योयो जो कि है बेंटन का योयो, और ये ऊपर दिया गया है इसमें रबड़ और अंदर है ये प्लास्टिक। ठीक है गाइस, तो इस टाइप का ये टॉय है और अंदर भी बेंटन दिए गए हैं, दो एलियंस हैं और ग्रेन है, सॉरी इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये टॉय और इनके नाम क्या क्या हैं। तो ये जो दिए रस्सी, ये है इस टाइप की रस्सी। तो गाइज ये है योयो और इसको हम इस तरह से लपेटेंगे और फिर इसके वजह से खींचेंगे, तो ये ऐसे मतलब ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है गाइज, तो अभी यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसे चला ठीक से नहीं पा रहा हूँ। गाइज अब बारी है हमारे बेंटन की वॉच की जो कि है ओमनीट्रिक्स वॉच। तो गाइज कीमत की बात करूँ तो 150 रुपीज़ का मैंने परचेज किया इसे ऑफलाइन मार्केट से, अपने लोकल शॉप से मैंने इसे परचेज किया अपने यहाँ की, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने बाय लिंक दे दिया है। तो इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं कि ये प्रोजेक्टर वॉच है, कैसे आपको पहन के इसको प्रोजेक्ट करना है, और आपको ये सारे एलियंस की पिक्चर्स आपको प्रोजेक्टर में दिखाई जाएंगी। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर करेंगे इसकी टेस्टिंग। इसको ओपन करेंगे यहां से, पिक्चर्स कौन कौन से एलियंस इसके अंदर आएंगे, इसे प्रोजेक्ट करेंगे हम यहां से, प्रेस करेंगे। और आखिर में बचता है हमारा बेंटन का स्वाड जो कि है ये वाला। तो ये है हमारे बेंटन की स्वाड, कीमत है गाइज वो है 100 रुपीज़। तो इसमें मिलते हैं मुझे 3 एलियंस अलग अलग, और अगर आप इसे पहचान पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि इन एलियंस के नाम क्या हैं। ठीक है, और ये है हमारा ओ, और ये है बेंटन की तलवार। तो गाइस ये सारे कंटेंट मिलते हैं हमें इस पैकेट के अंदर, 3 एलियन और एक तलवार मिलती है, और ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें बैटरी लगी हुई है, आपको ये स्ट्रैप निकालनी पड़ेगी। तो इसे हम निकाल देते हैं साइड में, और देखिए ये है यहाँ पे ट्रिगर। तो चलिए इसको चला के देखते हैं। फीचर जो कि मेरा फेवरेट है तो वो मैं आपको बताता हूँ, आखिर ये हमें वाइट में क्यों दिया गया है। तो इस एलियन को हमें क्या करना है, इसे रखना है हमें इसके ऊपर और फिर दबाना है इस बटन को। तो ये इसके ऊपर आराम से फिट हो जाता है।